वो अरविंद केजरीवाल जी को जान से मारना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी ने इतनी गंदी राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के इंसुलिन के इंजेक्शन भी रोक दिए। अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो जो सारे काम केजरीवाल करवाता है बंद कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज आपके बीच में एक संदेश लेके आई हूँ, एक जरूरी संदेश लेके आई हूँ जो आप सबको जानना जरूरी है। आप सबको पता है कि पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे किए, केजरीवाल के मंत्रियों को जेल भेजा, मोहल्ला क्लिनिक बनाने वाले सत्येंद्र जैन को पहले जेल भेजा, उसके बाद अच्छे स्कूल बनाने वाले मनीष सिसोदिया को जेल भेजा, और जब तक भी काम नहीं रोक पाए अरविंद केजरीवाल के, तो एक झूठे मुकदमे में अरविंद केजरीवाल जी को भी जेल में भेज दिया। जब केजरीवाल को जेल में भेजा, याद कीजिए कि अरविंद केजरीवाल जी की दवाइयां तक रोक दी थी भारतीय जनता पार्टी ने। इतनी गंदी राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल जी को 30 साल से शुगर की बीमारी है, रोज इंसुलिन के 4-4 इंजेक्शन लगते थे उन्हें। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के इंसुलिन के इंजेक्शन भी रोक दिए। वो क्या चाहते थे? वो क्या चाहते थे? वो अरविंद केजरीवाल जी को जान से मारना चाहते थे। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी आप जैसे गरीब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए काम करते हैं, यही उनको अरविंद केजरीवाल जी से परेशानी है। लेकिन ये आप लोगों का प्यार था, आप लोगों का आशीर्वाद था, हमारी माताओं और बहनों की दुआएं थी, जिन्होंने मन्नत मांगी, जिन्होंने व्रत रखे, जो मंदिर गई, और आप लोगों के प्यार और आप लोगों के आशीर्वाद से अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए। क्यों भेजा इन्होंने केजरीवाल को जेल? इसलिए भेजा क्योंकि अरविंद केजरीवाल आपके लिए काम करता है। अरविंद केजरीवाल वो आदमी है जिसने पूरी दिल्ली में 10 साल से 24 घंटे बिजली दी है, पावर कट से छुटकारा दिलवा दिया है सारे दिल्ली वालों को, वो है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल वो आदमी है जिसने दिल्ली को 0 बिजली का बिल दिया है, अब 24 घंटे बिजली आती है फिर भी बिजली का बिल 0 होता है। केजरीवाल वो आदमी है जिसने पानी दिया है, घर घर पानी पहुंचाया है, झुग्गी झुग्गी पानी पहुंचाया है, फ्री पानी दिया है, वो आदमी है अरविंद केजरीवाल। याद कीजिए 10 साल पहले तक सरकारी स्कूलों का क्या हाल होता था। सरकारी स्कूल टूटे फूटे होते थे, 3 टप्पर में चलते थे, बच्चों के बैठने के लिए कुर्सी नहीं होती थी, पीने के लिए पानी नहीं होता था, ब्लैक बोर्ड नहीं होता था, क्लासरूम में टीचर नहीं होता था। बताइए सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? ऐसे ही होते थे सरकारी स्कूल। कोई भी परिवार अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता था। हम अपना पेट काट काट के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने 10 साल में दिल्ली के सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बना दिया, शानदार स्कूल दिए आपके बच्चों को, हमारे बच्चों को, दिल्ली के आम परिवार के बच्चों को। भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कर पाई, उनकी 22 राज्यों में सरकार है लेकिन एक भी राज्य
सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से अच्छा नहीं कर पाई, इसलिए डरते हैं केजरीवाल से। आप कहीं जाइए, किसी राज्य में जाइए, परिवार का कोई एक सदस्य बीमार हो जाता है, एक बीमारी में परिवार की सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है, गहने गिरवी रखने पड़ते हैं, घर गिरवी रखना पड़ता है, जमीन गिरवी रखनी पड़ती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज दिया, चाहे 5,000 रुपए लगे, चाहे 50 लाख रुपए लगे, दिल्ली के लोगों को कोई नहीं करता। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई, अपनी माओ और बहनों को दिल्ली की डीटीसी बसों में फ्री यात्रा करवाई। कौन कौन बहने जाती है डीटीसी बस में बता जी, कितना किराया लगता है? फ्री किसने किया? फ्री सुनाई दे रहा, किसने किया फ्री? केजरीवाल। किसने किया? केजरीवाल। केजरीवाल ने अपनी सभी माताओं और बहनों को फ्री बस यात्रा दी। तो देखिए, जो आदमी इतना काम करता है उसी से भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है, और केजरीवाल के काम रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल को जेल में भेज दिया। क्या सोचा था उन्होंने? केजरीवाल को जेल भेज देंगे तो दिल्ली वालों के काम रुक जाएंगे। लेकिन आप लोगों की दुआओं ने वो षड्यंत्र फेल कर दिया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अब फरवरी में फिर से क्या आने वाला है? चुनाव। क्या आने वाला है? चुनाव। तो अगर हम चाहते हैं कि केजरीवाल की फ्री बिजली मिलती रहे, फ्री पानी मिलता रहे, अच्छे स्कूल बने रहे, अस्पताल बने रहे, फ्री बस यात्रा, फ्री तीर्थ यात्रा मिलती रहे, तो किसको फिर से मुख्यमंत्री बनाना होगा? केजरीवाल। बनाना होगा। एक बात याद रख लीजिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली नहीं है, लेकिन अगर गलती से जीत गई तो झुकी गई, तो झुकी गई। बिल्कुल सही बात है, सबसे पहले तो झुकी गई, उसके बाद फ्री बिजली बंद, उसके बाद 24 घंटे बिजली बंद, हमारे शानदार सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाई, फ्री इलाज, महिलाओं की फ्री बस यात्रा, बुजुर्गों की फ्री तीर्थ यात्रा। तो अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो जो सारे काम केजरीवाल करवाता है बंद कर देंगे। चाहते हो क्या? नहीं। चाहते हो? नहीं। हाथ खड़ा करके दिखाना, चाहते हो क्या? नहीं। जोर की, चाहते हो क्या? नहीं। तो इसलिए फ्री बिजली, फ्री पानी, अच्छा इलाज, अच्छे स्कूल, फ्री तीर्थ यात्रा, फ्री बस यात्रा मिलती रहे, उसके लिए हम सबको मिलके एक ही काम करना है। हम लोगों को मिलकर अपने चहेते, अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल को भारी बहुमत से चौथी बार मुख्यमंत्री बनाना है। तैयार है? तैयार है? तैयार है? ये चिट्ठी है, अरविंद केजरीवाल जी ने आपके नाम भेजी है। अभी आपको ये चिट्ठी देंगे, सब लोग इसको पढ़ लेना, खुद भी पढ़ लेना, अपने घर वालों और अपने पड़ोसियों को भी पढ़ा देना। सबको समझ में आ जाएगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो क्या होने वाला है। पढ़ लोगे चिट्ठी? पढ़ लोगे ना? और खुद पढ़ने के बाद कागज फाड़ मत देना, पड़ोसी को पढ़ा देना, ठीक है जी? तो अभी आपको चिट्ठी भी बांट देंगे, चिट्ठी भी पढ़ लेना। लेकिन बस एक रामबाण है दिल्ली वालों के लिए, और वो है कि हमें चौथी बार अरविंद केजरीवाल को क्या बनाना है? क्या बनाना है? हमें चौथी बार अरविंद केजरीवाल को लाना है और दिल्ली के शानदार कामों को आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।